वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 13 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। मुझे जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस में से 17 रियल क्वेश्चंस मिल चुका है। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये मैक्सिको में प्रारंभ हुई थी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल की नेट की हाइट कितना होता है? तो 10 फीट होता है। अगर बात करें मीटर में तो 3 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर हैं वर्तमान में। सुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है पुष्प मित्र सुंग। सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है सोनल मान सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ये किरोसिन में रखा जाता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद अपनाया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना इंग्लैंड देश से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए लाइसेंस शस्त्र यानी हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया है? तो ये पूछा गया किस एक्ट के तहत, तो भारतीय शस्त्र एक्ट 1878 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के लिए लाइसेंसी हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो एग्जैक्ट तो मुझे ऑप्शंस की जानकारी नहीं मिला। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या क्या होता है। तो राइबोसोम होता है, क्रिस्टाई होता है, DNA होता है, साथ में मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो ये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए है ये अटल पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला की साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष की साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। तो ये 20 में से 17 रियल क्वेश्चन से आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह डेली बेस पे सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।